नमस्कार, मैं हूं रंजीत और स्वागत करता हूं रीप्ले विद रंजीत में। और रीप्ले विद रंजीत में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे। आप जनपद कासगंज से ताल्लुक रखते हैं और कांग्रेस ने कई वर्ष बाद एक ऐसे हाथों में कमान दी है जो कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मुखातिब होते हैं मनोज पांडे से। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप थैंक यू एक ऐसे जिला अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस जहां बिल्कुल मृत अवस्था में दिखाई देती थी जनपद में, अब कहीं ना कहीं नजर आने लगी है। अखबारों की सुर्खियां भी बटोर रही है, वो आंदोलन भी कर रही है, गाये बगाए धरने भी कर रही है। सबसे पहले शुरुआत आपसे, पहला सवाल कि मनोज पांडे को अगर आज का युवा जानने की कोशिश करे तो आखिर मनोज पांडे कौन है, कहां से ताल्लुक रखते हैं और मनोज पांडे की बचपन की शुरुआत कहां से होती है? रंजीत जी, बेसिकली जो मेरा घर है वो पटियाली है। मैं किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मेरा जन्म कासगंज का है। प्रारंभिक शिक्षा मेरी कासगंज रही और जिस समय मैं 12वीं कक्षा का छात्र था उस समय मुझे लीडरशिप का कुछ एहसास हुआ कि वी कैन डू, मैं कुछ करना चाहता था छात्र समाज के लिए। उस समय में मैंने NSVI ज्वाइन की और मुझे श्री गणेश इंटर कॉलेज का 1986 में अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद मेरी एजुकेशन आगरा हो गई क्योंकि यहाँ उस समय पढ़ाई के इतने अच्छे साधन नहीं थे। मैंने वहाँ से BSc किया क्योंकि राजनीति की एक शुरुआत हो चुकी थी। तो आगरा के जो कांग्रेस के लीडर थे उनके टच में आने लगे। टच में आने के बाद BSc सेकेंड ईयर में मुझे आगरा कॉलेज का NSVI यूनिट का महामंत्री बनाया गया। वो कौन सी वर्ष थी जब आप पहली बार 12वीं में NSVI से इंट्रोड्यूस हुए? क्योंकि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो कांग्रेस की एक छात्र शाखा है जो कहीं, अगर हम छोटे छोटे जनपदों में जैसे कासगंज हैं तो आज NSVI कहीं दिखाई नहीं देती छात्र राजनीति, क्योंकि आप कहते हैं श्री गणेश इंटर कॉलेज में छात्र राजनीति में आप 12वीं कक्षा में जुड़ जाते हैं, लेकिन आज अगर हम 12वीं के बच्चों की बात करें, क्योंकि शुरुआत आपकी राजनीति की 12वीं कक्षा से हुई है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तब NSVI आपको कहां से मिली, कैसे आपको पता चला कि NSVI से जुड़ना है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आपके समय में अस्तित्व में आ चुकी होगी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी छात्र राजनीति करती थी और उस समय में NSVI के जिला अध्यक्ष आलोक वशिष्ठ हुआ करते थे। UP में सरकार थी, छात्र राजनीति का इस्तेमाल पार्टी, कांग्रेस पार्टी या BJP, चाहे वो ABBP हो चाहे NSVI हो, छात्र राजनीति का इस्तेमाल वो अपने संगठन के लिए भी करते थे। तो एक जुड़ाव सा महसूस होता था सत्ता पक्ष में रहते हुए। तो मुझे, मेरी क्वालिटी को देख के आलोक जी ने, और यहाँ उस समय सुवध भारद्वाज NSVI के सर अध्यक्ष हुआ करते थे, वो कौन सी वर्ष थी? 1986। तो मुझसे संपर्क किया कि हम यहाँ NSVI की विंग बनाना चाहते हैं। तो उस समय तो मैं अननोन था, मैंने, मुझे क्या करना होगा कि छात्रों के हित के लिए बात करनी होगी। तो वो मेरा एक ट्रेनिंग पीरियड था जी। वहाँ से जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो मैंने वहाँ एक साल काम किया। काम क्या था कि आपको इस चीज़ का विरोध करना है, ये धरने करने हैं, ये प्रदर्शन करना है, ये झंडा लेना है। तो बेसिकली उस समय हम लोग कांग्रेस का झंडा पकड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। मतलब वो पाठशाला, वो प्राथमिक पाठशाला थी, नाम ही NSVI था, स्टूडेंट यूनियन, तो स्टूडेंट यूनियन में सीखा जाता। बिल्कुल। उसके बाद जब मैं आगरा गया तो स्तर बढ़ा। एक बार जब लीडर जिसको बोलते हैं, जो किसी भी समूह को लीड करता है, बिल्कुल मायने बदल गए हैं आज के दौर में, नेता बोलने लगे लोग, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि लीडर का मतलब होता है जो किसी समूह को लीड करता है, और जब कोई व्यक्ति किसी समूह को लीड करता है तो वो लीडर हो जाता है। तो आगरा जब मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई तो एक साल तक तो नॉर्मल प्रक्रिया रही। सेकेंड ईयर में वो लीडरशिप की क्वालिटी फिर अंदर से पैदा होने लगी और NSVI का वहाँ बहुत अच्छा स्कोप था। वहाँ के तार डायरेक्ट दिल्ली हाईकमान से जुड़े रहते थे,
और NSUI यूथ कांग्रेस का स्तर भी बहुत अच्छा था, आज के दौर में वो स्तर नहीं है। कुछ कारण हमारी पार्टी के रहे जिसकी वजह से NSUI और यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस की विंग हमारी कमज़ोर होती चली गई और उसके इम्पैक्ट धीरे 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 आए। मैं वर्तमान राजनीति पे बाद में जाऊंगा, जो सवाल है पहले मैं उसी पे बात करूंगा। मैं भी इतिहास में जाना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की कोशिश है, NSUI का लीडर करने की कोशिश कर रहा है जो आज जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। जी तो उस समय में जो स्तर होता था, हम लोगों को आगरा कॉलेज में जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया NSUI का, तो हमारा काम था कि किस गरीब छात्र की फीस माफ होनी है, दैट इज अ क्रिएटिव वर्क। उसमें ऐसा नहीं था कि हमें केवल हो अल्लाह करना है, किस कौन सा छात्र ऐसा है जिसको किताबों की जरूरत है, NSUI उसके लिए काम करती थी। मैंने उन चीज़ों के लिए प्रोत्साहित किया, अपने साथियों को एक टीम बनाई और उस टीम पे हम लोग अपनी पॉकेट मनी बचा के भी उन लोगों की मदद करते थे। और मुझे लगता है कि वो दौर जो था जिससे हम वहाँ NSUI आगरा जैसे शहर में बहुत अच्छे लेवल पर स्थापित कर पाए और एक छाप छोड़ के वहाँ से हम लोग हटे। उसके बाद मैं बस बढ़ता चला गया, पहले NSUI में रहा, मंडल में उपाध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश में सचिव रहा NSUI में। प्रदेश में सचिव रहने के बाद मैं महासचिव भी रहा। दिल्ली से भी मेरे वहाँ के नेताओं से संपर्क रहे क्योंकि आगरा से दिल्ली पास पड़ता था, लखनऊ दूर पड़ता था, 2 घंटे में 2.5-3 घंटे में हम दिल्ली पहुँच जाते थे। वहाँ मेरी मुलाकात स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी से हुई, जो उस समय ऑल इंडिया कांग्रेस में सेक्रेटरी थे NSUI में। जी मैं जाता था नॉर्मली, भाई मेरे नेता हैं, मुलाकात करता था। सडनली एक दिन पता लगा कि गोस्वामी जी को उत्तर प्रदेश NSUI का अध्यक्ष बना दिया गया, तो उनके जहन में मेरा चेहरा था क्योंकि मुलाकात करता था, आगरा में था, बट उनके जहन में मेरा एक चेहरा था और उन्होंने मुझसे संपर्क किया। जी बोले कि मनोज भाई, मैं चाहता हूँ कि आप, चूँकि अब अपने गृह जनपद में अपनी पढ़ाई पूरी करके, एजुकेशन में मैंने BSc MA पॉलिटिकल साइंस और LLB, तो 7 साल के करीब मेरी शिक्षा रही, तो बोले अब आप गृह जनपद में जा रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आप NSUI जिला एटा की कमान संभालो। 7 साल का गैप हो गया, 7 साल बहुत बड़ा वाकया होता है कांग्रेस पार्टी को, वो भी NSUI जैसी विंग का जिलाध्यक्ष बनना अपने आप में एक चुनौती से कम नहीं था। मैंने स्वीकार की और मैं लगभग 3 महीने मैं कभी इस गुमान में नहीं रहा कि लोग मुझे माला पहनाएंगे आके, मैं अध्यक्ष बन गया तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि मेरा एक मानना है कि जिस चीज़ को आप लीड करो उसको ज़मीन से जोड़ के चलो, जब आपकी ज़मीन मजबूत होगी तो आपकी राजनीति भी मजबूत होगी। उस समय एटा जिला हुआ करता था, कासगंज जिला नहीं था, कासगंज एक तहसील थी जी, क्षेत्र बहुत बड़ा था। लगभग 3 महीने मैंने जा के लोगों से संपर्क किया, लोगों से मिला, उनकी समस्याओं के लिए लड़ा, खासतौर से छात्रों की समस्याओं के लिए, क्योंकि उस समय में शिक्षा के इतने साधन नहीं थे। ये बात है 1993 की, तब भी ना कोई प्राइवेट कॉलेज थे, छात्र एडमिशन के लिए हमारा घूमता था, पढ़ाई के लिए भी दिक्कतें थीं। मैंने कई आंदोलन किए स्टूडेंट यूनियन में, जैसे लोगों से डोनेशन लिया जाता था बच्चों से, मैंने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई। मैंने कासगंज में के एक कॉलेज के खिलाफ आवाज़ उठाई, मैंने लोगों के पैसे वापस कराए, जो छात्र थे उनके मैंने पैसे वापस कराए डोनेशन के, जो जायज़ नहीं था। कई इंटर कॉलेज के बाहर मैंने धरने दिए, तो वो चीज़ें छात्र यूनियन में बहुत बढ़ती चली गई और चमकती चली गई। तो ये एक एग्जाम्पल रहा। यहाँ पर आपके आप बात करें NSUI के अलावा ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी, और उसके अलावा भी कोई छात्र संगठन ऐसा था जो सक्रिय राजनीति में था, जो छात्र हित की बात करता था वहाँ? मेन तो 2 ही संगठन थे, बाकी यहाँ मार्क्सवादी का और दूसरी पार्टियों का कोई छात्र संगठन इतना मजबूत नहीं था। जी विद्यार्थी परिषद का जो कार्यक्रम रहता था वो चूंकि विपक्ष में थे और छात्र हित से ज़्यादा वो बीजेपी के हित में विश्वास रखते थे, तो वो पार्टी के साथ काम करते थे, पार्टी के साथ हम भी काम करते थे, लेकिन हमारा पहला उद्देश्य छात्रों के हित की बात करना था। इसलिए हम यहाँ अग्रणी भूमिका में रहे, जिला एटा में NSUI के अध्यक्ष के लिए बहुत लंबी लाइन रहती थी और अप्रोच लगाई जाती थी,
हाई कमान से किसकी अप्रोच है, कहाँ से कैसे क्या बना जा सकता है? तो 1986 की हम बात करें, जब आप थे वहाँ पर, तो अगर बात करते हैं NSUI की, तो छात्र हित की जब बात करते होंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें रहती थी उस समय, तो अपनी सरकार के खिलाफ NSUI कैसे आवाज़ उठाती? नहीं, बिल्कुल उठाती थी। छात्र हित में सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। सरकार ने कभी कॉलेजों को ये नहीं बोला, सरकार ने कभी स्कूल को ये नहीं बोला कि आप प्राइवेट डोनेशन लो। सरकार फीस निर्धारित करती थी, उसके अलावा जो कॉलेज और स्कूल हुआ करते थे वो 1,000 रुपया बच्चे से डोनेशन, 1,500 रुपये बच्चे से डोनेशन। उसमें क्या होता था, जो बच्चे मेरिट में हैं उनको हटा के नीचे से जो डोनेशन दे रहे हैं उनके एडमिशन होते थे। तो हम जो आवाज़ उठाते थे वो विद्यालय तंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, और उस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते थे और मजबूर करते थे कि आप डोनेशन वापस करिए, ये गलत है। आपकी जो प्रतिक्रिया होती थी, जब क्रिया होती थी, उसकी प्रतिक्रिया सरकार से तत्काल प्रभाव से मिलती थी, प्रशासन से? हाँ, प्रशासन से मिलती थी, क्योंकि हमारी भी जांच होती थी। कई तरह के लोग होते हैं राजनीति में, कुछ लोग आज मैं वो बताना चाह रहा हूँ, कई तरह के लोग होते हैं। मुझे आज भी याद है, एक SDM थे यहाँ, श्री नागिन सिंह जी, बहुत ईमानदार अधिकारी थे। मैं उनसे मिलने गया पहली बार जिलाध्यक्ष के रूप में, तो मैंने उन्हें कंप्लेंट दी। मैंने कहा साहब, ये इस स्कूल में डोनेशन लिया जा रहा है जो गलत है। तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोला। बड़ा अजीब सा लगा, कोई बात नहीं, बोले ठीक है आप छोड़ जाइए, मैं देख लूँगा। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे फिर बुलाया, मुझे बिठा ला, चाय पिलाई। तो मैंने कहा साहब, कल आया था तब तो आपने मुझे पूछा भी नहीं कि बैठ जाओ। तो बोले देखो, मैं ईमानदार टाइप का आदमी हूँ और राजनीति में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मैंने आपकी LI जांच कराई, मैंने आपकी प्रशासनिक जांच कराई, मैंने पता कराया कि इस व्यक्ति का नेचर क्या है। जब मुझे ये पता लगा कि आप वास्तव में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप इस लड़ाई के माध्यम से कोई अपना व्यक्तिगत हित साध रहे हैं जी, तो फिर मैंने आदेश भी कर दिया और नोटिस भी चस्पा करा दिया है। मैंने आपको बताने के लिए बुलाया था कि जिन छात्रों से डोनेशन के नाम पे पैसा लिया गया है वो अपना पैसा जाके वापस ले लें, आपकी मांग मंजूर हो गई है। तो एक अंदर से खुशी सी महसूस हुई कि हमारा जो उद्देश्य था, और वो अखबारों में छपता था तब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था, तो अखबारों में भी यहाँ से पैकेट सा बन के जाता था, वो रात में जाता था, अगले दिन छपता था, तो एक लंबा प्रोसीजर था। लेकिन जब वो अखबार में आया तो पूरे ज़िले में उस चीज़ का तहलका मचा कि एक NSUI के जिलाध्यक्ष ने इतनी सक्षम कॉलेज की कमेटी को चैलेंज दे के अपनी बात पूरी कराई। तो ये मैसेज जाते थे जिससे संगठन मजबूत होता था जी। अगला स्टेप NSUI के बाद, बात NSUI की हो गई, लौटेंगे NSUI पर, लेकिन अगला स्टेप जो कांग्रेस में प्रवेश हुआ, आपने अभी कई सारे विंग गिनाई कांग्रेस की, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, तो NSUI के बाद अगला पड़ाव मनोज पांडे का कौन सा था? और NSUI के जरिए, जैसे आपने बताया कि गोस्वामी जी से मुलाकात हुई, आप उस लेवल तक पहुंचे, फिर कांग्रेस में एंट्री कैसे हुई? एंट्री तो मेरी हो चुकी थी 86 में जी, बेशक NSUI की विंग से हुई। जब स्टूडेंट के बाद मैं उन चीज़ों से निकल गया जी, तो मैं युवा हो गया, और ये चांस की बात रही यूथ कांग्रेस, ये चांस की बात रही जी कि गोस्वामी जी भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए प्रदेश के, वो NSUI से यूथ कांग्रेस में आ गए। वो लगातार प्रमोशंस हो रहे थे, उनके वहाँ प्रमोशन हो रहे थे, मेरे यहाँ प्रमोशन हो रहे थे, क्योंकि काम करने में आज भी मेरे साथ जुड़े हैं। अभी किन्हीं कारणों से अभी कुछ हुआ है, बट वो करेंट की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक जेन्युइन नेता है, जमीन का नेता है, जुड़ा हुआ नेता है। जब वो UP यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उस समय तक NSUI में मैं यूथ की इतनी टीम तैयार कर चुका था, मुझे पता था कि आने वाला जो मेरी ये टीम NSUI की है, ये कल को यूथ कांग्रेस में वर्क करेगी, ये मेंटली मैं प्रिपेयर था। तो मुझे बुलाया, बोले अब आप युवा कांग्रेस की कमान संभालेंगे? मैंने कहा नहीं संभालेंगे, क्योंकि मैं प्रदेश में NSUI में जनरल सेक्रेटरी रहा, इंचार्ज भी रहा कई जगह का। तो मैंने कहा दगी, आप मुझसे प्रदेश में काम लो। बोले फिर जिला कैसे चलेगा? मैंने कहा मैंने इतनी टीम बना दी है कि जिले में आपको समस्या नहीं आएगी। उस समय मैंने युवा नेता विशाल पांडे को जिलाध्यक्ष एटा बनाया, और नो डाउट कि विशाल पांडे ने युवा कांग्रेस को एक अलग ऊंचाइयों तक लेके गई, बहुत मेहनत की। मैं प्रदेश में रहा, महामंत्री रहा,
बरेली मुरादाबाद मंडलों का इंचार्ज रहा, और आज भी बरेली के लोग इस बात को कहते हैं कि आप जैसा प्रभारी ना आया ना आएगा। आज भी वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आज वो लोग कांग्रेस में हैं जी, मेरे उस समय यूथ कांग्रेस के साथी, आज कांग्रेस में शहर अध्यक्ष है, वहाँ वर्तमान में दूसरा साथी शहर अध्यक्ष बनने की लाइन में है। वो तो हाईकमान तय करेगा कौन क्या होता, बट एक बहुत अच्छा सा लगता है जब करीब आप 20 साल बाद भी आपके राजनीतिक संबंधों के साथ साथ आपके व्यक्तिगत संबंध भी जुड़े रहते हैं, और ये राजनीति में बहुत ज़रूरी भी है कि आप राजनीतिक संबंध के अलावा अगर व्यक्ति आपकी दिल से इज्जत करता है वही आपका असली मुकाम होता है। बिल्कुल, और वो सच्चाई और ईमानदारी से होता है जी, उसके लिए किसी को दिखावा नहीं पड़ता। बस उसके बाद मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां विपरीत हुई, राजीव जी की हत्या हुई, बहुत सी चीज़ें हुई, राजनीति परिवर्तित हुई, कांग्रेस की राजनीति भी इफेक्टिव हुई, यूपी में सरकार नहीं रही, केंद्र में भी अब दो टर्म से नहीं है बट उससे पहले थी, नई टीम से कांग्रेस के बिखरने का दौर शुरू हो चुका था, कांग्रेस के बिखरने का दौर शुरू हो चुका था, लोग मौका परस्ती में, गांधी परिवार से नेतृत्व गांधी परिवार ने लेने से इनकार कर दिया, और मेरा अपना मानना ये है कि गांधी परिवार के अलावा जो लीडरशिप है सेकेंड लाइन की लीडरशिप कई संख्या में है, तो अगर हम उसको हटा के कांग्रेस की बात करेंगे तो बिखराव फिर होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों का बलिदान इस देश के लिए रहा है, चाहे वो इंदिरा जी हों चाहे वो राजीव जी हों, उस परिवार के नेतृत्व में काम करने में अंदर से खुशी महसूस होती है। इसके बाद करीब 8-9 साल पार्टी का कार्यकर्ता रहा, मैं किसी पद पे नहीं रहा, पार्टी का कार्यकर्ता रहा, चलता रहा, कई राजनीतिक मायने बदले, मेरे हिसाब से मैंने हाईकमान को पत्र भी लिखे, और एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मैंने लिखा था निर्णय चेंज हुए कि भाई युवा कांग्रेस और NSUI में और सेवा दल में जो मनोनयन की प्रक्रिया होती थी जिसमें जिलाध्यक्ष मनोनीत किया जाता था, प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया जाता था, वो इलेक्शन में परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो चुका, और वो इलेक्शन होता था लोकसभा वाइज, लोकसभा अध्यक्ष होता था जी। उसके अंदर उसके नीचे 7-8 लोगों की कमेटी होती थी, यानी एक लोकसभा एटा जिसमें कासगंज और एटा दो जिलों को मिला के 7 लोग अगर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी रहेंगे तो मेरा अपना मानना ये था कि पार्टी की कहीं ना कहीं हानि होगी क्योंकि अगर हम जिले वाइज देखें तो वो जिले की टीम दोनों जिलों की मिला के लगभग 900 लोगों की बनती थी, जो हमने सिमट के 7 लोगों पे कर दी, और इस वजह से युवा कांग्रेस NSUI सेवा दल इन संगठनों का ग्राफ गिरता चला गया, और मुझे खुशी है इस बात की कि आज के दौर में वही पुरानी प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई जिससे संगठन को बल मिले, लोग अपने आप को पार्टी से जुड़ा महसूस करें, क्योंकि देखिए आप पे पद होता है तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आप अगर कार्यकर्ता हैं तो आप अपना वोट डाले आएंगे जी, आप आंदोलन में सहभागिता नहीं कर पाएंगे, आप बाउंड नहीं है कि आप आएंगे, लेकिन अगर आपके पास डेजिग्नेशन है जी, आप सचिव हैं, आप महासचिव हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, तो आपका नैतिक दायित्व भी बनता है कि पार्टी के कार्यक्रमों में आपको आना चाहिए। तो मेरा अपना मानना ये था कि संगठन का जो प्रारूप था, जब वो प्रारूप बदला तो पार्टी का कार्यकर्ता धीरे 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 खत्म होने लगा। दूसरा, नेतृत्व में जिला स्तर पर बदलाव नहीं आया, ये भी एक कारण रहे कि पार्टी का ग्राफ गिरने लगा, अंदर से मनोबल कांग्रेसी कार्यकर्ता का टूटने लगा, क्योंकि कांग्रेस हाई कमान में जो नेता थे, एक आदत हो जाती है बहुत साल सत्ता में रहने के बाद तो कार्यकर्ता की वो वैल्यू शायद नहीं रहती, मेरा अपना मानना है, और मैंने ये बातें हाई कमान तक रखी। तो ये तो दौर रहा मेरा NSUI युवा कांग्रेस का। अब वर्तमान में अब मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे यह करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मैंने अपनी कई सारी बातें हाई कमान को रखी हैं जी, हाई कमान आपकी बातें सुन भी रहा है जी। मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूं कांग्रेस के ही
जो हाई कमान के ना सुनने की वजह से आज पार्टी छोड़े बैठे हैं या फिर वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए जी। कई एक नेता हैं, और कई बार कांग्रेस में ये भी देखने को मिला है कि एक कोई ज़मीनी व्यक्ति लगातार मेहनत करता है इस उम्मीद के साथ कि पार्टी मुझे आगामी चुनाव में टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी या कोई भी पद देगी, लेकिन एंड ऑफ द डे देखा जाता है कि एक पैराशूट कैंडिडेट की जो बात कांग्रेस में बहुत आम प्रचलित थी कि पैराशूट कैंडिडेट आएगा और चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तब मनोज पांडे कैसे आज की कांग्रेस में, क्योंकि राहुल गांधी की हम बात करते हैं, राहुल गांधी कहना सही चाहते हैं लेकिन उसको आज गलत तरीके से पेश कर दिया जाता है या फिर कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे चले जाते हैं, और बैकफुट पे ऐसा भी देखा गया 2019 में जब कांग्रेस चुनाव हारी, आपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया जी। तब मेरा मनोज पांडे से सवाल ये है कि बिखराव जब कांग्रेस में हुआ, मौका परस्ती सामने आई, अब किस तरीके से रिक्रिएशन आप कर रहे हैं? क्योंकि मैंने जब गन्ना किसानों के हित की बात आप आंदोलन कर रहे थे 2-4 दिन पहले, तब मैंने देखा कि आपने कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने की कोशिश की है, हालांकि आज का युवा इतना भटका हुआ है कि वो मोदी जी को अपना रोल मॉडल मानता है। सबसे पहले मेरा एक सवाल ये है कि मनोज पांडे के जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति या कौन सा व्यक्तित्व तो रहा जो आपको प्रभावित करता है? देखिए, मेरे जीवन में कांग्रेस की राजनीति में पहले इंदिरा जी और उसके बाद राजीव जी, क्योंकि राजीव जी का जो योगदान राष्ट्र के निर्माण में रहा जी, लोग आज के युवा उसको समझे ना समझें, लेकिन हमारे समय में सेलफोन कंप्यूटर एक सपने की बात हुआ करती थी जी। मुझे आज भी याद है कि हम टेलीफोन मिलाते थे तो खटखट करके एक्सचेंज में जाता था और आधा घंटे बाद हमारे पास कॉल आती थी। राजीव जी की ये देन है कि बहुत कम समय में और बहुत तीव्र गति से संचार की व्यवस्थाओं को लागू किया, जिससे आज हिंदुस्तान विश्व से जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व से जुड़ा है। आप व्हाट्सएप पर फ्री में कॉल कर सकते हैं, अमेरिका में बैठे लोगों से कॉल कर सकते हैं। कहते हैं डिजिटलाइजेशन मोदी सरकार की देन है। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, आप अगर मेरी बात से सहमत हैं जी, डिजिटलाइजेशन आधार कार्ड लिंक कराने को नहीं कहते जी। जब इंडिया डिजिटल हुआ तो वो योगदान राजीव जी का था, मोदी जी वहाँ दूर दूर तक नहीं थे। जब कंप्यूटर राजीव जी भारत में लाए तो यही भारतीय जनता पार्टी कंप्यूटर का विरोध में खड़ी थी, क्योंकि तब इन्होंने ये प्रोपेगंडा किया कि अगर कंप्यूटर आ गया तो मैन पावर खत्म हो जाएगी। ये भी एक भ्रामक प्रचार था इनका। वो तो मुलायम सिंह जी ने भी, बीजेपी ने भी किया। अच्छा, बीजेपी ने भी किया। उस समय बीजेपी के लीडर ने ये इशू लाए कि साहब ये कंप्यूटर ला रहे हैं, ये संचार क्रांति ला रहे हैं, अगर कंप्यूटर लगा लेंगे तो 20 लोगों का काम एक आदमी करेगा कंप्यूटर पे बैठ के। बट ऐसा होता नहीं है। आईटी की कितनी, आईटी के सेक्टर में कितनी नौकरियां जनरेट हुई, कितने बेरोजगार देश में और विदेशों में आईटी सेक्टर के थ्रू गए, जहां पे लोग जानते नहीं थे। तो मैं राजीव जी की इस योजना से, इस कार्य करने की क्षमता से प्रभावित हुआ। मैं बेशक 10 साल किसी पद पर नहीं रहा, लेकिन एक ईमानदारी के साथ मैंने कांग्रेस का कार्य किया। मेरी मानसिकता कांग्रेसी रही। और कहीं, ठीक है, आपने भी एक सवाल किया था कि जमीन से जुड़े काम करने वाले लोगों को पूछा नहीं जाता था, तो मैं ये सोचता था कि अगर कभी मुझे पूछा जाएगा तो मेरे पास बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए। और अगर ईमानदारी से कभी कांग्रेस ने काम किया तो कोई दो राय नहीं है कि मुझ जैसे व्यक्ति को, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को, कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान दूंगा। इस मानसिकता के साथ बहुत से दौर आए, बहुत से लोग छोड़ गए कांग्रेस। मैं अगर अपनी बात करूं तो इस शहर में अगर 5 नाम गिने जाएंगे तो शायद 5 में मैं एक हूं। मैंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी, 36 साल में मैंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। फिर एक दौर आया, हम लोगों ने पत्र लिखे, एक अंदर से जिस पार्टी के लिए आपकी भावनाएं हैं उसको कमजोर होते देखना भी उस इंसान को गवारा नहीं होता, हम मजबूत कैसे हों जी। इसके लिए मैंने कई बार राहुल जी को भी पत्र लिखे, प्रियंका जी को भी पत्र लिखे, ऊपर वाले ने सुनी। प्रियंका जी को महासचिव बनाया गया राष्ट्रीय, और उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। जब प्रभार आ गया तो हमें नहीं पता था आगे क्या होना। उन्होंने कहा यूपी में कांग्रेस मजबूत होगी, हम सोचते थे कैसे होगी,
आठ दस साल से तो कांग्रेस का झंडा मैंने कभी शहर में नहीं देखा, कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। ज्ञापन होता था तो ज्ञापन में पांच छह लोग जाते थे, गाड़ी में बैठ के डीएम साहब के साथ फोटो खिंचाया, ज्ञापन दे दिया। मैंने कहा ऐसा कैसे मजबूत होगी। खैर, पार्टी हाईकमान का काम है। यहाँ पे पूरे यूपी में कांग्रेस को वास्तव में ईमानदारी से मजबूत करने की दिशा में काम किया गया, जो जिसका परिणाम आप आज मुझे बता रहे थे कि गन्ना किसानों का आंदोलन हो या कोई और प्रदर्शन हो या किसी भी चीज़ पे तुरंत कार्रवाई हो, कहीं रेप की घटना है तो वहाँ कांग्रेस के लोग पहुँच के उनको सांत्वना देना, उनकी कार्रवाई का हिस्सा बनना, उनको न्याय दिलाना। तो अगर हाईकमान सक्रिय है तो कोई दो राय नहीं है कि कार्यकर्ता, मुझ जैसा कार्यकर्ता भी सक्रिय होगा। मेरे पास एक दिन सडनली कॉल आया, मुझे नहीं पता था, मैं कहीं बैठा हुआ था कि मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और प्रियंका जी आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैं कौन प्रियंका जी, कोई उम्मीद ही नहीं कि प्रियंका गांधी जी आपसे मिलना चाहती हैं और आपको दिल्ली बुलाया है जी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे छः साथी और वहाँ थे कासगंज के, और कई जिलों के लोग थे। वहाँ जाके ये पता लगा कि प्रियंका जी ने कुछ लोगों को चिन्हित किया है हर जिले से, कहीं से छः, कहीं से आठ, कहीं से चार, और वो किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं किया है, वो किसी नेता की रिकमेंडेशन पे नहीं किया, वो उन्होंने अपना सर्वे कराया, व्यक्तिगत सर्वे कराया पार्टी के लोगों को भेज के जी। उस सर्वे के आधार पर शहर में जगह जगह उन लोगों ने पता किया कि यहाँ कांग्रेस का वर्कर कौन है, जमीन से जुड़ा आदमी कौन है। मेरे जिले से भी छः लोग गए, मेरी प्रियंका जी से सीधे बात हुई, मैंने अपनी बात रखी, वेदना थी मन में, पार्टी का वर्कर हूँ तो वेदना तो कहूँगा। जो पीड़ा अब तक मैं कार्यकर्ताओं से सुनता रहा कि साहब राहुल जी से समय नहीं मिलता, समय मिलने के बाद भी समय नहीं मिलता, अगर अपॉइंटमेंट मिल जाता है वहाँ से लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं होती। कई बड़े नाम हैं और छोटे नाम हैं जो ये शिकायत करते हैं, ये पहली बार मैं आपके मुँह से सुन रहा हूँ कि प्रियंका गांधी ने आपको कॉल किया, आप जाके मिले। नहीं, मिला ही नहीं, मेरी लगभग उनसे आधा घंटे बात हुई जी, और वन टू वन बात हुई, एक एक मुद्दे पर बात हुई, और उन्होंने बड़े धैर्य से सारी बातों को सुना, निर्णय उनको करना था जी। मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, जो मेरे पास मेरा राजनीतिक तजुर्बा था जी, जितना मैंने समाज के लिए, जनता के लिए, पार्टी के लिए किया, वो मैंने उनसे बैठ के साझा किया। मेरे पास सारा रिकॉर्ड था, उन्होंने देखा। अंत में मैंने इतना जरूर कहा कि आप आज की डेट में कांग्रेस की हाईकमान है, यूपी के लिए तो है बिल्कुल। मैंने पहली बार किसी हाईकमान को इतना समय देते देखा है, जिसने एक एक पन्ना बारीकी से पलटा, पढ़ा, समझा और रखा। इससे पहले हम लोग जब मिलते थे तो हमारा प्रेजेंटेशन यूं करके देखते थे, ठीक है जाइए देख लेंगे। मैंने बहुत स्पष्ट शब्द बोला कि देख लेंगे का मतलब आप देख रहे हो क्या हो रहा है। जिस दिन हाईकमान, अब मुझे ये फक्र महसूस है कि हाईकमान जिस तरह से चीज़ों को ले रहा है, मुझ जैसे मेरे कई साथी, कई युवा साथी जिलों की कमान संभाले हुए हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देखिए राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी अभी, और ये डेढ़ दो महीने में एकदम से कैसे चेंज होने लगी, ये कोई सडनली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से, उसके जो इम्पैक्ट समाज पे आ रहे हैं, आम जनता उनसे परेशान है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो जी। लेकिन हर व्यक्ति के मुंह से एक बात सुनने को आती थी कि आखिर हम जाएं कहाँ, कोई स्टैंड लेने वाला ही नहीं है, विकल्प मौजूद नहीं, विकल्प विपक्ष में विकल्प दिखाई ही नहीं दे रहा था कि आखिर किसको, विपक्ष विकल्प ही नहीं आपके, अगर हम बीजेपी को हटाएं तो फिर हम किसको, समाजवादी पार्टी की वो स्थिति नहीं रही, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति नहीं रही, कांग्रेस की स्थिति नहीं रही जी। हमने अपना ये विचार प्रियंका जी के सामने भी रखा कि हमें एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा होना है, और जिस दिन हम विकल्प के रूप में खड़ा हो गए, जनता इतनी त्रस्त है कि वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के काम करेगी। हम उन समस्याओं के निराकरण के लिए नहीं करवा पाएंगे तो आंदोलन तो करेंगे, हमारी आवाज़ तो जाएगी,
आप हमें बंद करोगे बंद करो, आप हमें डंडे मारोगे डंडे मारो, कम से कम जनता ये तो देखेगी कि ये डंडे खा रहे हैं और हमारे हित के लिए खा रहे हैं, यही तो राजनीति। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी है, क्या आपको लगता है कि जो सत्ता पक्ष है वो इसलिए ज्यादा मजबूत है क्योंकि विपक्ष में उन नेताओं की कमी हो गई या नेता खत्म हो गए जो कभी डंडे और लाठियां खाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, कि सत्ता पक्ष अगर कोई जनहित का फैसला ना लेते हुए अपने हित का फैसला लेती है तो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, लाठियां खाएंगे, क्योंकि जेपी आंदोलन क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ था वो जी। तो उस तरीके के जो नेता हैं वो आज देश में कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही थी कि जमीन से जुड़े हुए नेता धीरे धीरे हाशिए पे चले गए, बिल्कुल नेता कम नहीं होते, मैं भी जमीन का जुड़ा हुआ नेता हूँ, मैं कम नहीं हुआ, मैं कम नेता नहीं। एसी पसंद तो हो गया ना? नहीं नहीं देखिए एसी पसंद होना एक अलग चीज है, मैं जो कह रहा हूँ हम लोग कम नहीं हुए, हम लोग खत्म नहीं हुए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस फिर से एक नए अध्यक्ष की तलाश में है, राहुल गांधी की रैली भी होनी है आगामी दिनों में, आप कैसे देखते हैं अगर हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं रिकंस्ट्रक्ट होना है, एक फिर से कांग्रेस की बुनियाद जो प्रियंका गांधी रखने की कोशिश कर रही हैं, उनको प्रभारी बनाया गया यूपी जो सबसे बड़ा सूबा है देश का और सबसे मजबूत सूबा है और एक एक जिला महत्वपूर्ण है, तब मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी तादाद में सदस्यता अभियान चला रही है और कांग्रेस उसके उलट कहीं भी आसपास दिखाई नहीं देती, तब मनोज पांडे के सामने वो उन चुनौतियों को कैसे लेते हैं कि कांग्रेस कैसे खड़ी करनी है जनपद में? दूसरा मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस की जो विंग हुआ करती थी यूथ कांग्रेस सेवा दल NSUI, प्लानिंग क्या है मनोज पांडे किस तरीके से, सबसे पहले मेरा सवाल NSUI को कैसे खड़ा करेंगे वहाँ? देखिए जहाँ तक जिले वाइज अगर मैं बात करूं, मैं पहले अपने जिले की बात ले लेता हूं जी, जिस दिन से मैं अध्यक्ष बना जी जिला कांग्रेस कमेटी का, मैंने उससे पहले ये देखा कि यहाँ कांग्रेस कमेटी NSUI युवा कांग्रेस सेवा दल का कोई तालमेल नहीं हुआ नहीं। करता था और उसका खामियाजा ये होता था कि आपके साथ वर्कर इकट्ठे ही नहीं हो पाता जी। डे वन से मेरे साथ युवा कांग्रेस अध्यक्ष, NSUI अध्यक्ष, सेवा दल अध्यक्ष, तीनों अध्यक्ष, मैं हर जगह उनका नाम मेरे साथ होता है, हर जगह उनकी संख्या की भागीदारी मेरे साथ होती है, क्योंकि युवा कांग्रेस और NSUI को राजनीतिक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है, संख्या तो होती है, बिना युवाओं के राजनीति नहीं होती, संख्या तो बहुत होती है, लेकिन उस संख्या को आप सही दिशा दे पाएं ये भी नेतृत्व का काम होता है। तो मेरी भरसक प्रयास ये है, मैंने पिछले दिनों जितने भी आंदोलन किए वो सब युवा कांग्रेस NSUI और सेवा दल के साथियों के व्याप पे किए, क्योंकि कांग्रेस कमेटी तो मुझे खड़ी करनी है। तो यहाँ लोग बिखरे पड़े थे, युवा दिशाहीन था, भाजपा में चूंकि भाजपा सरकार में है तो आप कुछ भी करा तो सकते हो लेकिन आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, बाद में आप कुछ भी गलत करा दो आपकी बात पर गलत हो जाएगा जी, लेकिन आप उस गलती को जब वो मीडिया के सामने आएगी या वो कहीं और सामने आएगी या कानून के सामने आएगी तो भाजपा बैकफुट पे आ जाती है कि भाई हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना मानना ये है कि युवा राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने की आवश्यकता है, युवा राजनीति को अगर आप वास्तव में सही डायरेक्शन में चलाएंगे तो नो डाउट कि युवाओं के बिना देश चलना संभव नहीं है, प्रदेश चलना संभव नहीं है, तो जिला भी चलना संभव नहीं है। तो मेरा पहले दिन से ये प्रयास है कि युवा कांग्रेस NSUI सेवा दल और महिला कांग्रेस भी मैं बहुत जल्दी पूरे जिले में खड़ी करूंगा, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न चल रहा है उसके लिए भी हमें उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। तो मेरा अपना मानना ये है कि जब ये चारों संगठन जी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई स्थिति नहीं है कि कांग्रेस जिले में मजबूती नहीं लेगी। मनोज जी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2022 से पहले MLC का भी इलेक्शन है, स्नातक खंड का चुनाव है, क्या कांग्रेस अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है 2022 को लेकर और उससे पहले 20 में जो चुनाव है? देखिए 2022 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये जो परिवर्तन आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं ये 2022 के विधानसभा चुनाव का ही परिवर्तन है।
मैंने व्यक्तिगत तौर पे पार्टी हाईकमान से ये निवेदन भी किया है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में 100 विधायक प्रत्याशियों की टिकट एक साल पहले निर्धारित करने का कष्ट करें, जिससे वो व्यक्ति अपने चुनाव क्षेत्र में जनता के साथ जुड़ के, पार्टी संगठन के साथ जुड़ के, विचार है कि इस पर भी हाईकमान कुछ ना कुछ पॉजिटिव निर्णय लेगी, जो मेरा बयान था। बाकी अब चूंकि पार्टी ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पिछले 3 महीने में खड़ा होना शुरू किया है और हम आंदोलन की दिशा तक आ गए हैं, अब हम जनता के समर्थन की दिशा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जिस दिन हमारी ये समर्थन की दिशा परिपक्व अवस्था में आ जाएगी, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं। कांग्रेस को अपने आप को विकल्प के रूप में साबित करना है और वो कांग्रेस साबित करके रहेगी, उसकी तैयारी आपने शुरू। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तैयारी हो रही। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे, जो कि कासगंज की कमान संभाले हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि 2022 से पहले कांग्रेस को सत्ता की दिशा में ले जाने का पूरा प्रयास होगा, पहले कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा और फिर जनता के हित की सरकार कांग्रेस दे, कांग्रेस को उस मुकाम तक ले जाने की बात मनोज पांडे कर रहे हैं, क्योंकि कासगंज में 3 विधानसभाएं हैं और 3 विधायक यहां से चुने जाते हैं। 1988 में आखिरी बार कांग्रेस के विधायक, जो कि अभी जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, कुंवर देवेंद्र सिंह यादव, वो रहे थे, और उसके बाद से कांग्रेस की जो ज़मीन है वो कासगंज में पूरे तरीके से बंजर हो चली है, और 1988 के बाद कासगंज और एटा के बीच में कहीं भी पंजे का जो निशान है वो नदारद सा है। अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई मनोज पांडे के दावे और कांग्रेस की बुनियाद दोनों मजबूत और सार्थक होती है या नहीं। रिप्ले विद रंजीत में आज हमारे साथ थे कासगंज के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे। रिप्ले विद रंजीत में अगली शख्सियत बहुत जल्द ही, लगातार बने रहिए हमारे साथ और YouTube पर देख सकते हैं आप apcagendapost.com। ताज़ा तरीन खबरों के लिए agendapost.com को लगातार क्लिक करते रहिए।